आज एक बहुत ख़तरनाक किस्म का शॉट मैंने लेने की ट्राई की है, लेकिन ये मेरा जो मोबाइल है ना ये ज़रा पुराना है और भाई साहब हीट हो गए हैं और इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करनी वहीं पे बंद कर दी। मतलब कि कुछ सेकंड से ज़्यादा लंबी भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये जिससे मैं अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अभी उस ख़तरनाक जगह पर लेके जाने का मेरा दिल नहीं किया, बट ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो नेक्स्ट टाइम जो है ना इसी को रख के शॉट लिया जाएगा। एक दो ब्लॉग्स पहले भी मैं जो है शॉपिंग करने गया था और शॉपिंग मैंने करना ये था कि मैंने मैट लेना था और मैंने पिज़्ज़ा बनाने के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी और क्या लेना था, हाँ कुछ कपड़े ख़रीदने थे। तो उसमें से मुझे मैट नहीं मिला था उस दिन, पैकेजेस मॉल गया था मैं, वहाँ से मैट नहीं मिला। उसके बाद ये हुआ कि मेरे घर के पास एक शॉप है वहाँ पर मैंने ट्राई किया तो मैट मुझे मिल गया, बट वो मैट जो है ना बहुत बारीक सा है और सीन कुछ ये है कि मेरा जो गोल है ना स्प्लिट्स वाला उसको उसके लिए वो मैट छोटा है, लाइक मेरे टांगे लंबी हैं और वो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मैट और लिया जाए, तो वो मैट लेंगे हम। और उसके अलावा जब लास्ट टाइम मैं गया था तो लिबर्टी जो है वो सील हुआ हुआ था सारा, और वहाँ पे एक शॉप है जो शिजान बेकरी है गैस, उसके नीचे लिबर्टी जो है ना मेन पार्किंग जो है उसकी साइड पे एक शॉप है, बेसमेंट के अंदर स्पोर्ट्स की काफ़ी दुकान है। तो वो दुकान भाईजान की खुल गई है जहाँ से मैं हमेशा चीज़ें लेता होता था। आपको मज़े की बात बताता हूँ कि क्या क्या होना शुरू हो गया है। लॉकडाउन की वजह से सब लोगों ने जो है घर में ही अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया और वो बहुत सारी जो इक्विपमेंट है वो ले गए हैं और इक्विपमेंट की हो गई है शॉर्टेज। तो अब कुछ लोग हैं जो कि 1 किलो जो प्लेट होती है डंबल की, जो 1 किलो वाली प्लेट होती है उसका वाला कितना चार्ज कर रहे हैं, 375 रुपीज पर के जी। अब ये तो आपको इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, बट आप बात ये है कि जब आप प्लेट्स लेने जाते हैं तो वो अच्छा खासा आपको वेट ही तो चाहिए होता है, तो 10 12 किलो 20 किलो कम से कम इतना आपको चाहिए होता है। मतलब कि दो डंबल बनाने हैं तो आपने 10 10 केजी के बनाना है तो 20 किलो वेट आपका लग जाना है, तो 20 किलो मीन 7,000 to 8,000 rupees, दिस इज इनसेन। तो अब जो दुकान थी जहाँ से मैं पहले अपनी चीज़ें लिया करता था वो बंदा ज़रा शरीफ है और बहुत ही नाइस बंदा है, तो वो मुझे पुराने वाले रेट पर ही दे रहा है। तो उससे जाके अभी हम प्लेट्स लेंगे और एक और मैट लेंगे और हम रेजिस्टेंस बैंड भी लेंगे। सोचा मैंने ये हुआ है कि आज जो पौधे शोधे और जो गमले शमले मैं खरीद लूंगा ना उसके बाद काफ़ी अर्सा मुझे सुकून रहेगा, कोई साल पूरा। अब देखते हैं कि फिर पौधे शोधे मिलते हैं कितने मिलते हैं और फिर कितना अर्सा मुझे सुकून रहता है। तो अब मैं इसी को तेज़ करता हूँ, गर्मी बहुत है और आपसे मिलते हैं वहां पे पहुंचने के बाद। बादल चेक कर रहे हैं आप? किसी महान पुरुष ने कहा था कि जो भी लाइफ में आए जाए लेकिन बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम AFG स्पोर्ट्स पहुंच गए हैं और हसनैन भाई मेरे साथ हैं, तो ये देख लें आप कैसे सबने मास्क वगैरह पहने हुए हैं और सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ना उनको फॉलो किया जा रहा है। और मैं इस शॉप से तकरीबन 2-3 साल से चीज़ें ख़रीद रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आई गेस टेबल टेनिस का रैकेट लिया था, तो ये अब आज चीज़ें उन्होंने पहले ही निकलवा रखी हैं, तो उनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन की वजह से उनको क्या क्या सफ़र करना पड़ा। हाँ जी भाईजान, लॉकडाउन की वजह से ना हमारे कारोबार पे तो काफ़ी असर पड़ा है। तो दूसरा हमारा तो आपको पता है कि स्कूल वगैरह जो होते हैं ना उनसे हमारा बहुत ज़्यादा काम होता है कि स्कूल खुलते हैं तो बच्चे आपको पता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी सारी होती हैं इसमें। तो अब तो वैसे भी जिम वगैरह भी बंद है सारे, तो काफ़ी हमारे तो काम में फ़र्क पड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि अब लोग घरों में जब ग्राउंड वगैरह बंद है तो जिम भी बंद है, तो वो अब घर में एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो वो फिर डंबल्स वगैरह एक्सरसाइज मैट ये इस तरह की चीज़ें हमसे ना परचेज करते हैं। तो ये शॉप तो मैं देख रहा हूँ आपकी बिल्कुल भरी हुई है, तो आपके पास इस वक्त ये लॉकडाउन की सूरत हाल में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है? जी हमारे पास इस टाइम ना सारा ही तकरीबन स्पोर्ट्स का तो सारा कुछ, स्पेशली जो हमारी है ना स्विमिंग की आइटम सारी होती है हमारे पास, जो गर्मियों में सारा सीजन चलता है ये वाला स्विमिंग का सीजन। सही। तो बाकी ये कि टेनिस रैकेट हो गए, स्क्वाश रैकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तकरीबन स्पोर्ट्स की हर चीज़ है हमारे। तो अब चीज़ें तो बाहर निकली हुई हैं, तो मैं पेमेंट करता हूँ और फिर हम जरा आगे चलते हैं, जो बाकी की हमारी चीज़ें रहती हैं वो देते हैं।
लास्ट टाइम जब यहाँ पे मैं आया था तो ना तो मुझे यहाँ से मैट मिला था, ना प्लेट्स मिली थी, और पिज़्ज़े का भी सामान नहीं मिला था, मुझे कहीं और से जाके लेना पड़ा था। तो अब ये है कि इन्होंने कहा था कि हफ्ते बाद हमारा न्यू स्टॉक आ रहा है, तो अब हफ्ते बाद मैं दोबारा आया हूँ। Finally, this is what I want, right? कैरियां तो यहाँ पे बहुत पड़ी हुई थी, लेकिन मसला यह है कि जब ज्यादा आपके पास ऑप्शन हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और चूंकि ये मेरी मामा का शौक है तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलत चीज ले जाऊँ और उनको पसंद आए। तो अब उनके साथ में दोबारा आऊंगा, तो वी विल बाय द कैरियां क्यारियाँ नेक्स्ट टाइम। तो ये जो दो पत्थर हैं अभी यही लेके लेट्स मूव बैक टू होम। इतने थोड़े सॉन्ग्स ऑलराइट गाइस, तो 4 से 5 घंटे आवारा गर्दी करने के बाद अब मैं घर वापस पहुंच गया हूँ, और ये मैंने लिया एक रेजिस्टेंस बैंड, ये मैंने लिया है एक मैट। इस पर क्या किया जाएगा, इस पर एक तो स्प्लिट्स वाली एक्सरसाइज की जाएगी। अगर आपको स्प्लिट्स का नहीं पता तो आप मेरा स्प्लिट्स वाला ब्लॉग देखें, यहाँ पे आएगा होपफुली। और ये एक हैंड फ्री, ओ मैं ये चीज़ें बताई नहीं आपको, ये प्लेटें ली हैं अब मैंने, ठीक है। एक डंबल की प्लेटें थी, एक डंबल की और आ गई हैं, अब जो एक्सरसाइज होगी ना ओहो हो हो। और क्या लिया है, और प्लेटें भी हैं। और ये हैंड फ्री, क्योंकि इसके बगैर तो लाइफ अधूरी है। और ये जो है ये आपको सिर्फ इनके स्टोर से ही मिलती है, ऑनलाइन जो है ये मतलब कि हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहती है। एंड अगर आपको पसंद आया इस तरह का शॉपिंग वाला ब्लॉग तो डू लेट मी नो। अभी कुछ सामान रहता है, क्योंकि मेरी जो शॉपिंग है वो 80% हुई है, 20% चीज़ें रहती हैं, तो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स और एनी सॉर्ट ऑफ इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ सजेशन फॉर द नेक्स्ट शॉपिंग ब्लॉग डू लेट मी नो। तो यहाँ पे इस ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गाड़ी में मैंने किया हुआ है AC बंद, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ ना आए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट ब्लॉग।